क्या हो सकती है कि उषा गांगुली अजहर के निर्देशन में एक्टिंग करें। तो मैंने वक्त ज़्यादा इसलिए लिया, एक मिनट मैंने उषा जी का ले लिया, उन्होंने कहा मैं एक मिनट कम बोलूँगी, दो मिनट सलीम भाई कम बोले, क्योंकि यहाँ राजनीतिक नेता के रूप में नहीं, वो हमारी संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, लेकिन दो मिनट कम बोल के दो मिनट उन्होंने दिया, तीन मिनट वो पाँच मिनट मेरे अपने थे। नमस्कार। भैया आपकी उम्र नहीं मालूम हो सकती, इतना तो कहें कि सबसे बड़े हैं, ये तो तस्वीर है, लेकिन कितने छोटे हैं ये पता चल जाए। ओ अच्छा, तो जरा सा नवादिश 79 माशा उन्नासी जीरो हजार पचास। मित्रों, मेरे पास तो कोई हिसाब किताब नहीं है कि कितने मिनट मेरे पास हैं और कितना समय किसके पास है। इस प्रसंग में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक नाटक का सवाल है, चाहे वो कहानी हो जैसा जिक्र हुआ हो या नाटक हो, रंगमंच नाटक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रंगमंच पर तो कहानी भी होगी, कविता भी होगी, राजनीति भी होगी, विचारिक चिंतन भी होंगे, द्वंद्व भी होंगे, सभी कुछ होंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आज के ज़माने में कि वो मनुष्य पर ध्यान हो, अर्थात मंच पर है तो अभिनेता पर केंद्रण हो। टेक्नोलॉजी आई है, उसका लाभ हमें लेना है, लेकिन व्यक्ति प्रधान हो, अभिनेता प्रधान हो, क्योंकि यहाँ जो समाज अब आ रहा है, पूरे समाज में कंप्यूटर, टेलीफोन और तरह के विग्रह भी हुए हैं, जिसके कारण अब जिससे जुड़ने आता है, जीव जीव से जुड़ने आ रहा है। जब तक आए हुए जीव को जीव से संबंध होने की संभावना जिस भी प्रकार से के रंगमंच पर मिल सके, मैं समझता हूँ उसकी आवश्यकता है, उस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना जीव से जीव का संबंध है। नमस्कार। बस अब हम अपना उत्सव शुरू करने वाले हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो बातें और बताऊं। हमारा ये उत्सव कविवर कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को डेडिकेटेड है, लेकिन इसी बीच श्याम भैया हमारे बीच नहीं रहे। सिर्फ एक मिनट का वक्त लेते हुए मैं आज का नाटक शुरू करूंगी। अपने दर्शकों से मैं चाहूंगी कि एक मिनट का मौन धारण श्याम भैया के नाम पे जरूर करें। तौर पर अपना उत्सव प्रारंभ करते हैं। मैं अपने अतिथियों से चाहूंगी कि वो दोनों ले लो एक साथ, दोनों एक साथ पांच मिनट के अंदर ही आज की हमारी पहली प्रस्तुति टैगोर की कहानी दुराशा। बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती थी और घर में बैठे रहने पर यह अनिच्छा और बढ़ती जाती। होटल में सुबह का नाश्ता करने के बाद पैरों में मोटे बूट पहनकर बाहर टहलने के लिए निकला। पल पल में टिप टिप करके बारिश हो रही थी। बादलों के इस देश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे
विधाता हिमालय पर्वत के साथ साथ तमाम विश्व चित्र को रबर से घिस घिस कर मिटा रहा हो। अकेले हिलकार्ड रोड पर चलते चलते ये सोच रहा था कि अब और अच्छा नहीं लग रहा है। तभी पास से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। दुखों की दुनिया में रोना कोई विचित्र बात नहीं है। कोई और समय होता तो शायद मैं मुड़कर देखता भी या नहीं, पता नहीं। आवाज की दिशा में आगे बढ़कर देखा एक औरत जिसके माथे पर जूड़ा बंधा हुआ है जोगन के भेस में बैठी एक कोने में रो रही है। ये कोई मामूली शोक का रोना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों का दुख काले बादलों के बाहर से टूट कर बहने लगा हो। सोचने लगा ये तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे घर में बैठे किसी कहानी की शुरुआत हुई हो। होटल से जब निकला था तो कल्पना भी नहीं की थी कि पहाड़ी पर कोई औरत रोती हुई मुझे मिलेगी। मैंने नरमी से उससे पूछा, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, बस बादलों के बीच आंसुओं से भी चमकती हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। मैंने उनसे फिर पूछा, देखो डरो नहीं, मैं एक शरीफ आदमी हूं। बहुत पहले ही मैं डर और खौफ का सर खा पी कर बैठी हूँ बाबू जी। अब तो किसी की शर्म आया भी नहीं। एक वक्त था कि मैं जिस जनान खाने में रहती थी वहां मेरे सगे भाई को भी अंदर आने की ही इजाजत लेनी पड़ती थी। अब इस दुनिया में किसी से कोई पर्दा नहीं बाबू जी। बाबूजी सुनकर एक बार तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरा हाव भाव रहन सहन साहेबों जैसा, फिर इस अभागन ने मुझे बाबूजी कहकर क्यों पुकारा? सोचा अपना उपन्यास यहीं खत्म करके साहेबों की तरह गाड़ी पर बैठकर फर्राटे से निकल जाऊं। लेकिन कौतूहल की जीत हुई। मैंने फिर जरा अपना सीना तान करके और गर्दन टेढ़ी करके उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ मुझसे? मैं बदराओं के नवाब गुलाम कादिर खान की बेटी हूँ। ये बदराओं किस मुल्क में है और नवाब गुलाम कादिर खान कौन से नवाब हैं और उनकी बेटी किस दुख में दार्जिलिंग के हिलकार्ड रोड पर बैठी रो रही है, इसके बारे में मैं रत्ती भर नहीं जानता था। मैंने फिर उनसे कहा, माफ कीजिएगा मैं आपको पहचान नहीं पाया। न पहचान पाने के कई तर्कसंगत कारण थे। पहली वजह तो ये थी कि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं और दूसरी वजह ये कि कुहासा इतना ज्यादा था कि हाथ को हाथ भी नहीं सुझाई दे रहा था। फिर उन्होंने मुझे एक पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठिए। देखा सुंदरी में आदेश देने का हुनर था। उसके पास काई से भरे हुए भीगे पत्थर पर बैठकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा था क्योंकि बदराओं के नवाब गुलाम कादिर खां की बेटी मेहरुन्निसा, नूरुन्निसा या फिर नूरुल मुल्क ने मुझे अपने पास बैठने की अनुमति जो दी थी। जब होटल से निकला था तो ऐसे अच्छे पल की कल्पना तक नहीं की थी। दूर पहाड़ी पर बैठी कोई सन्यासिनी रो रही होगी तो नर नारी की गुपचुप बातों की कहानी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भावनाओं की ऊष्मा लिए काव्य रचना कर रहा हो और दूर पहाड़ों से बहते हुए झरनों की ध्वनि और कालिदास के मेघदूत कुमार संभव के ध्वनि की विचित्र संगीत जागृत हो सकती है। मैंने फिर उनसे पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी ये हालत किसने बनाई है? ये सब कौन करता है, मैं क्या जानूं? इस अजीम हिमालय को किसने इन मामूली भाग के बालों से ढक दिया?
वो तो है, हम तो मामूली जीव हैं, कुदरत के रहस्य को कौन जान सकता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरी जिंदगी की अजीब और गरीब आस्था आज ही खत्म हुई है, सुनाओ। इजाजत की क्या बात है, मैं जानना चाहूंगा। मेरा ताल्लुक दिल्ली के शाही खानदान से है, लिहाजा उसी शान व बान के मुताबिक मेरे लिए रिश्ता खोजा जा रहा था। लखनऊ के नवाब के यहाँ से भी रिश्ते की पेशकश आई थी, अब बहुजूर अशोपेश में थे कि तभी दाहत से कारतूस काटने के किस्से को लेकर सरकार बहादुर और सिपाहियों के बीच जंग छिड़ गई। तोप की धूमों से सारे हिंदुस्तान में अंधेरा छा गया। औरत, खास तौर पर खानदानी औरत के मुंह से पहली बार उर्दू भाषा सुनी थी, सुनते ही समझ गया कि ये अमीरों की भाषा है। हमारा किला जमुना के किनारे, हमारी फौज का सिपा सालार एक हिंदू ब्राह्मण था जिसका नाम था केशव। सुंदरी ने शब्द केशरलाल पर जैसे अपने कंठ के तमाम संगीत को एक बार में ही उंडेल दिया। केशरलाल पक्का हिंदू था, मैं रोज सुबह उठकर जनान खाने के झाड़ों की झाड़ कर दिखती। केशरलाल जमुना नदी में छाती तक डूब कर दोनों आंखें बंद किए, हाथ जोड़े, चेहरा ऊपर उठाकर गोल गोल घूमते हुए उगते हुए सूरज को अंजलि देता और फिर भीगे कपड़े में ही घाट की सीढ़ियों पर बैठकर ध्यान लगाकर जप करने के बाद ऊंचे गले में राग भैरवी गाता हुआ अपने घर की तरफ चला जाता। लेकिन मैंने अपने मजहब की चर्चा कभी नहीं सुनी और न ही इबादत के तौर तरीके जानती थी, क्योंकि उन दिनों शराब, जिंस परस्ती और जो इशरत ने हमारे यहाँ मर्दों में मजहबी पाबंदी को कमजोर बना दी, यहाँ तक कि जनान खाने में भी उसके चर्चा नहीं के बराबर थी। लेकिन शायद खुदा ने मुझे फितरतन ही मजहबी बनाया था, या फिर उसमें भी कोई राज की बात थी नहीं कह सकती। लेकिन रोज सुबह उगते सूरज की लालिमा में नीले जमुना की सफेद सुनसान सीढ़ियों पर केशरलाल की इबादत को देखकर मेरे अंदर भी कंजानी मजहबी ताकत हिलोरे मारने लगती। उसकी पसंद केशरलाल का गोरा जिंदा दिल और खूबसूरत जिस्म बगैर धुएं की शमा जैसा था। ब्राह्मण के पुण्य ने इस मुसलमान लड़की के दिल को भी अकीदत से लबरेज कर दिया था। मेरी एक हिंदू बांधी थी, वो रोज सुबह केशरलाल के चरणों को छूकर धूली ले आती, देखकर मुझे अच्छा भी लगता और जलन भी होती। मेरी बांधी तीज त्योहारों के मौकों पर ब्राह्मणों को खाना खिलाकर उन्हें दान दक्षिणा दिया करती थी। पैसे से उसकी मदद करके मैं उससे कहती, तुम केशरलाल को न्योता नहीं दोगी? इस पर वो अपने जीभ काट कर कहती कि केशरलाल ठाकुर किसी का भी दान और दक्षिणा ग्रहण नहीं करते। इस तरह केशरलाल तक अपने जज्बात न पहुंचा पाने के कारण मैं अंदर ही अंदर बहुत बेचैन रहने लगी। हमारे पूर्वज ने जोर जबरदस्ती एक ब्राह्मण की लड़की से शादी कर ली थी,
मैं अपने जनान खाने के कोने में बैठकर अपने रगों में उसी पाक खून को बहता हुआ महसूस करती और उसी खून के नाते केशव लाल के साथ अपनी मिलन के तस्वुर को करके थोड़ी बहुत खुशियां हासिल कर लेती। मैंने अपनी हिंदू बांधी से हिंदू मजहब के सभी तौर तरीकों के बारे में जाना। रामायण और महाभारत का सारा इतिहास मन लगा कर सुनती और उसे सुनने के बाद मेरे दिल में हिंदू जगत की एक अनोखी तस्वीर बन जाती। शंख घंटे की आवाज, मंदिर, धूप, चंदन मिले फूलों की खुशबू, जो कि सन्यासियों की अजीब ताकतें, ब्राह्मणों की अहमियत, इंसानों के रूप में देवताओं की अजीब गरीब लीलाएं, सारी कथाएं मन लगा कर सुनती और उसे सुनने के बाद हिंदू जगत मेरे लिए एक तिलस्मी दुनिया बन जाता। हिंदू जगत मेरे लिए खूब खूबसूरत परियों के देश जैसा।